पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के दिग्गज नेता और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और मशहूर वकील के तौर पर उनकी पहचान होती है। न सिर्फ कांग्रेस के गांधी परिवार के बल्कि विपक्षी गठबंधन के कई बड़े नेताओं के हाई प्रोफाइल केसेस तमाम अदालतों में अभिषेक मनु सिंघवी ही देखते हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने की कोशिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। हिमाचल से उनको राज्यसभा इस बार भेजा जाना था, लेकिन हिमाचल में क्या कुछ हुआ ये हम जानते हैं। हिमाचल में उनको उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वहां पर जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की गई कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा, ऐसे में उनकी उम्मीदवारी वहां पर अटक गई और वो चुनाव हार गए। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि केजरीवाल की तरफ से भी उनको राज्यसभा भेजने की कोशिश हुई और उसी चक्कर में ये पूरा स्वाति मालीवाल वाला जो पिटाई कांड है वो उसी का नतीजा बताया जाता है। और अब जो केजरीवाल के पीए विभव कुमार हैं वो अभी तक जेल में हैं मारपीट वाले केस में। लेकिन ऐसे में सिंघवी को राज्यसभा कहां से और कैसे भेजा जाए, इस पर कई दिनों से विचार मंथन चल रहा था। और इस बार जिम्मा बताया जाता है कि सौंपा गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को। राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने बताया जाता है कि खुद बात की और रेवंत रेड्डी से कहा कि आप कुछ इंतजाम अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राज्यसभा भिजवाने के लिए आप कीजिए इंतजाम। पहले ये तय हुआ कि कांग्रेस के एक युवा सांसद हैं, अभी हाल ही में राज्यसभा वो गए हैं, तो उनका इस्तीफा करा लिया जाए और उनकी जगह भेज दिया जाए अभिषेक मनु सिंघवी को। लेकिन रेवंत रेड्डी ने कुछ दूसरा रास्ता निकाला। बताया जाता है कि उन्होंने जुगाड़ ये किया कि भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के दिग्गज नेता केशव राव को उन्होंने कांग्रेस में शामिल कराया, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ दिन पहले आई थी। और केशव राव राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने राज्यसभा से अब इस्तीफा दे दिया है और इसके बदले में केशव राव को तेलंगाना सरकार में एक सलाहकार का पद दे दिया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है और उन्होंने राज्यसभा की सीट अपनी खाली कर दी है। उनका कार्यकाल 2026 तक था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही अपनी सीट छोड़ दी और अब बताया जा रहा है कि इस सीट से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। यानी कि रेवंत रेड्डी ने ऐसा रास्ता निकाला कि कोई नाराज भी नहीं हुआ और अभिषेक मनु सिंघवी के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि जब से कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आई है, तब से BRS के कई नेता अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसमें कई MLC भी शामिल हैं। और इसके अलावा एक और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि YS शर्मिला को भी राज्यसभा भेजने पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था कडपा सीट से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई थी और अब उनके लिए भी कोशिश की जा रही है कि वो भी राज्यसभा पहुंच जाएं। और उसका जुगाड़ करने के लिए बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को जिम्मा सौंपा गया है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि इसको लेकर क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी एक बार फिर से राज्यसभा जा रहे हैं, ये लगभग तय हो चुका है। आने वाले वक्त में आप ऐसा होते हुए देखेंगे। इस तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।